मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल, अमृतसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन, कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है, जैव का मतलब है सजीव, मतलब जितने भी सजीव प्राणी हैं जिसके अंदर मनुष्य भी शामिल है, अन्य जीव जंतु भी शामिल है, छोटे से जंतु से लेकर के जिसमें एक कोशी की जीव भी हो सकता है और बहुकोशी की जीव भी शामिल हो सकता है, उन सब में एक प्रक्रम चलता है। जैसे वो श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन के लिए एक अलग प्रक्रम होगा, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं सजीव तो उत्सर्जन का प्रक्रम होगा, इसके अलावा चलने फिरने की जो गतिविधि करते हैं, भोजन लेने की गतिविधि करते हैं, उन सब का एक प्रक्रम होता है। उन प्रक्रम से होकर के इन सभी सजीवों को गुजरना पड़ता है, चाहे वो एक कोशिक प्राणी हो या बहुकोशिक प्राणी हो। एक कोशिक प्राणी में हम उदाहरण लें तो एक कोशिक प्राणी है जैसे एमीबा और पैरामीशियम। एमीबा और पैरामीशियम का शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका से बना होता है, इसलिए इन्हें एक कोशिकीय प्राणी कहेंगे। इसके अलावा जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए यह बहुकोशिक प्राणी कहलाएंगे। तो एक कोशिक जीवों में किस प्रकार की प्रणाली पाई जाती है, किस प्रकार का सिस्टम उनमें डेवलप होता है, इन सब के बारे में बताया गया है। दूसरी बात, मनुष्य जो बहुकोशिक है उनमें प्रोसेस तो सेम होंगे लेकिन कुछ अलग प्रकार के प्रोसेस होंगे, अलग तरीक़ों से होकर गुजरना होगा। इसी प्रकार जैसे हरे पौधे हैं, पौधों में भी, क्योंकि पौधे भी सजीव हैं तो पौधों में भी ये प्रक्रियाएं चलती हैं। पौधों में जैसे हरे पौधे हैं और हरे शैवाल हैं, इनमें हमें पता है कि सूर्य के प्रकाश और नीचे से जड़ों से जल और खनिज लवण को लेकर अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इनमें पाया जाने वाला पोषण स्वपोषी पोषण होता है। लेकिन जहाँ पर अन्य जीव जंतुओं या मनुष्य की बात करें तो विषम पोषी की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो अपने भोजन प्राप्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। तो इस आइए हम इसमें अध्ययन करते हैं, जैव प्रक्रम क्या है। सबसे पहले पाठ की जो अपना मूल जो पाठ का नाम है उस पर चर्चा करते हैं कि आखिर जैव प्रक्रम है क्या। तो इसमें देखिए कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, जीवों में अनुरक्षण होना चाहिए, ये उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीवों में मेंटेनेंस रखते हैं, एक तरह से मेंटेनेंस रखना, वो जैव प्रक्रम कहलाता है। आगे देखिए, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, जैसे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिका की आवश्यकता के अनुसार उसे खाद्य स्रोत के रूप में उसका विघटन करना, उसको तोड़ना ही श्वसन कहलाता है। श्वसन का मूल उद्देश्य होता है जो भोजन अपन ने लिया है उसका विघटन, कहीं ना कहीं उसका विघटन होना चाहिए, उसको सरल भागों में तोड़ा जाता है और वो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसे उप उत्पाद हमें रासायनिक अभिक्रियाओं और ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्राप्त होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उप उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है और इस प्रक्रम को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन लेने की प्रवृत्ति। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए भोजन लिया जाता है, भोजन का मूल उद्देश्य होता है ऊर्जा की प्राप्ति करना। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो सभी जीवों में ऊर्जा और पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान होती है लेकिन इसकी आपूर्ति अलग अलग विधियों से। अब सप्लीमेंट उनको लेना, किस टाइप से उनको लिया जाता है, वो प्रक्रिया अलग होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं,
ये जीव सौपोषी होते हैं जिनमें सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और उनको सरल पदार्थों में विघटित करते हैं और उनका खंडन किया जाता है। तो वो ऐसे जो जीव होंगे वो विषमपोषी जीव कहलाएंगे, जैसे जंतु और कवक इस प्रकार के विषमपोषी जीव हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए सौपोषी पर निर्भर रहते हैं। अब इनका जो जटिल पदार्थ है, जटिल जो भोजन है, उसको तोड़ने के लिए कुछ जैव उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है और इन्हीं जैव उत्प्रेरकों को ही एंजाइम के नाम से जाना जाता है। जो भोज्य पदार्थों को, जो जटिल भोज्य पदार्थ अपन ने लिया है उसको सरल भोज्य पदार्थ में ये विघटित कर देते हैं। तो ये एक तरह के जैव उत्प्रेरक हैं जो एंजाइम कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सौपोषी पोषण। सौपोषी पोषण को लेकर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि सौपोषी पोषण एक इस प्रकार का पोषण होता है जिसमें सभी जो जंतु हैं जैसे और मनुष्य है, वो उनके अंदर तो सौपोषी पोषण नहीं होगा, लेकिन प्रकृति में हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट जो हरे पौधे हैं वो ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। यानी सौपोषी पोषण की क्षमता केवल और केवल हरे पौधों और हरे शैवालों में ही पाई जाती है, क्योंकि हरे पौधों के अंदर उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके नीचे से जड़ों से खनिज लवण और जल को लेकर के कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए सौपोषी पोषण वो पोषण होगा जिसमें ऐसे जीव जो अपना भोजन या ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।